हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर सेशंस। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो सर 2022 की कट ऑफ की। बेसिकली इसमें हम लोग देखने वाले हैं एनआईटीज की कट ऑफ, राइट। तो इसमें हम लोग देखेंगे राउंड 6 और एनआईटी की कट ऑफ, सारे इंस्टीट्यूट जितने भी एनआईटीज है सारे की बात करेंगे, और जितने भी एनआईटीज है जितने भी उसमें प्रोग्राम्स होते हैं एकेडमिक प्रोग्राम सारे, लाइक मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मेटलर्जी, माइनिंग, जो भी ब्रांचेज होते हैं सारी की बात करेंगे। इसमें आपको सीट टाइप मतलब कैटेगरी सारे जनरल, ओबीसी, डब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी सारे देखने को मिलेंगे। तो पूरे वीडियो को देखिएगा ताकि आपको इस साल की काउंसलिंग में आपको मदद मिल पाए। जो भी आपका रैंक है उस रैंक के हिसाब से आपको पता लगेगा कि इस साल आपको कौन कौन से कॉलेज मिलने के चांसेस है, कौन से ब्रांच मिलने के चांसेस है। तो इस वीडियो को बनाने का पर्पस मैंने यही है। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेटेड वीडियो मिलते रहें। और बहुत सारे कॉलेज का मैंने कॉलेज रिव्यू वीडियो पहले किया है, तो उसको आप देखें और उससे आपको हर कॉलेज के बारे में आइडिया लग पाएगा कि किस कॉलेज का कैसा कैंपस है, कैसा फैसिलिटीज है, सारी चीज़ पता लगेंगे। तो बिना देर के हम लोग वीडियो को शुरू करें। फटाफट लाइक कीजिए वीडियो को और देखते रहिए। सबसे पहले आपको बता दें यहाँ पे ये जो है ये लिखा हुआ है आपको कि ये यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए सीआरएल रैंक कंसीडर किया जाता है जो समय, और जो भी ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएलएससी, एसटी जो भी हैं उनका कैटेगरी रैंक यहाँ पे कंसीडर किया जाता है, राइट। तो ये यहाँ पे मेंशन किया गया बेसिकली, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ से। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले जो कॉलेज है आपको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जालंधर है। तो आप यहाँ से ये देख पा रहे होंगे, और यहाँ की ब्रांचेज जो है बायोटेक्नोलॉजी, होम स्टेट। दो एक और चीज़ मेंशन करना चाहेंगे, जो कोटा होता है यहाँ पे बेसिकली दो तरह की कोटा होता है, एक होम स्टेट होता है, एक अदर स्टेट होता है। होम स्टेट वो कोटा होता है जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, उसी स्टेट की अगर एनआईटीज है तो आपको होम स्टेट कोटा का फायदा मिलेगा। उससे अक्सर यह देखने को मिलता है कि ज़्यादा रैंक तक आपको एडमिशन मिलता है, मतलब कुछ परसेंट छूट दिया जाता है। और आप दूसरे स्टेट के एनआईटीज में अप्लाई करें तो अदर स्टेट कोटा आपको लागू होगा वहाँ पे। तो उस हिसाब से आप अपना देख लेना। जैसे यहाँ पे ओपन की बात करें, जेंडर न्यूट्रल मतलब कॉमन, तो यहाँ पे जो ओपनिंग रैंक था वो 54,131 था और क्लोज हुआ था 111,124 पे क्लोज हो गया था। उसी तरह से आप फीमेल ओनली की बात करें तो 99,644 क्लोज हो गया था। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 21,278 पे, और वही ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें तो 21,613 पे क्लोज हो गया था। तो ये आपका कुछ बायोटेक्नोलॉजी के हैं, तो उस तरह से आप सारे कैटेगरीज का देख सकते हैं। हम लोग मेन मेन ब्रांचेस की बात करेंगे, लाइक कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सारे ब्रांचेस की, जो कि अगर सारे ब्रांचेस की बात करेंगे तो काफी लंबा चौड़ा वीडियो हो जाएगा और बोरिंग होने लगेगा। तो इसलिए आपको जो भी आपको ब्रांच चाहिए या फिर जो आपके रैंक के हिसाब से मिल रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके उसको देख सकते हैं। तो हम लोग मेन ब्रांचेस जैसे कंप्यूटर साइंस पे चलते हैं, तो आप यहाँ से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं जो भी आपको ब्रांच चाहिए। बहुत सारे ब्रांचेस आपको देखने को मिलेंगे, लाइक इधर सिविल भी देखने को मिल रहा है इसमें, इसके बाद जस्ट कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो होम स्टेट कोटा की बात करें ओपन के लिए जेंडर न्यूट्रल, तो आपका जो 6,628 पे ओपन हुआ था और 13,287 पे क्लोज हो गया था। उसी तरह से फीमेल की बात करें तो 22,918 पे क्लोज हुआ था। होम स्टेट ओपन पीडब्ल्यूडी की बात करें तो 845 पे क्लोज हो गया था। उसी तरह से आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो 2,677 पे क्लोज हुआ था। ओबीसी एनसीएल के 10,025 पे क्लोज हुआ था, और फीमेल का भी आप देख सकते हैं 26,141 पे क्लोज हो गया था। उस तरह से आप देख सकते हैं एससी का 3,006 और एसटी का 4,769। और आगे देखें हम लोग अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ओपन फीमेल वाली के लिए, तो ये आपका 15,859 पे क्लोज हो गया था लाइक। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं सारे कैटेगरीज की, पीडब्ल्यूडी की, ईडब्ल्यूएस। और यहाँ पे आपको दो चीज मेंशन किया गया, बता दिया था पहले आपको, एक होम स्टेट है और एक अदर स्टेट। तो उसी तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप आराम से इसको देख सकते हैं। जो भी आपका ब्रांचेस आपको लेना है, जो भी आपका कैटेगरीज है और जो भी आपको एनआईटी चाहिए, तो अगले एनआईटीज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसमें आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी देखने को मिलेगा और बहुत सारे ब्रांचेज हैं, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की अगर बात करें हम लोग, तो होम स्टेट में आप देख सकते हैं ओपन जेंडर न्यूट्रल के लिए 22,388 पे क्लोज हो गया था पिछले साल। और उसी तरह से आप देख सकते हैं, और भी अगर होम स्टेट फीमेल कोटा की बात करें तो ये आपका यहाँ पे 28,820 पे क्लोज हो गया था। उसी तरह से आप देख सकते हैं अगर ओपन की बात किया जाए तो ओपन में जेंडर न्यूट्रल की बात करें तो 15,861 पे क्लोज हो गया था और फीमेल का 22,034। उसी तरह से आप देख सकते हैं अगले एनआईटीज की तरफ हम लोग चलते हैं, और भी ब्रांचेज है काफ़ी इसमें, आप उसको अपना देख लेना वीडियो को पॉज करके। तो नेक्स्ट एनआईटीज आपका है
काफ़ी सारे ब्रांचेज आपको एनआईटीज में देखने को मिल जाएंगे। इसमें टेक्सटाइल इंजीनियरिंग भी है। नेक्स्ट एनआईटीज आपका है मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर, देख पा रहे होंगे आप, मालवीय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर, मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर। इसमें सबसे पहला ब्रांच है आपको आर्किटेक्चर का, तो हम लोग उसका बात नहीं कर रहे, हम लोग डायरेक्ट बीटेक की बात करेंगे। तो इसमें जो पहला आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग से शुरुआत होता है। अगर केमिकल इंजीनियरिंग के होम स्टेट कोटा की बात करें तो ओपन के लिए आपको 29,037 पे क्लोज हो गया था। उस तरह से आप देख सकते हैं फीमेल के लिए बात करें तो 27,904 पे क्लोज हो गया था। अगर डायरेक्ट हम लोग चलते हैं अभी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की तरफ, और आप देख सकते हैं इसमें ब्रांचेज आपको सिविल, इसके बाद आपको कंप्यूटर साइंस को देखने को मिलेगा। यहाँ से आप देख सकते हैं आपका जो ब्रांच है इधर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 4 ईयर्स बैचलर टेक्नोलॉजी होम स्टेट कोटा ओपन जेंडर न्यूट्रल कितना क्लोज हुआ था, 5,610 पे क्लोज हो गया था पिछले साल। उसी तरह से अगर फीमेल की बात करें तो 7,498 पे क्लोज हुआ था। और अदर स्टेट की बात करें लाइक अदर स्टेट में आप देख सकते हैं जेंडर न्यूट्रल का 4,631 पे क्लोज हुआ था और फीमेल के लिए 6,099 पे क्लोज हो गया था। उसी तरह से आप देख सकते हैं इधर में अगर EWS की बात करें तो 738, फीमेल के लिए 1,371 और OBCNCL के लिए 1,514, फीमेल के लिए 4,081 मतलब 4,081 पे क्लोज हो गया था। लाइक SC के लिए आप देख सकते हैं 757 पे और फीमेल 738। अगर उसी तरह से अगर ST की बात किया जाए तो 223 पे क्लोज हुआ था और फीमेल के लिए 431 पे क्लोज हो गया था। ये कंप्यूटर साइंस MNIT जयपुर का है। उसी तरह से आप इसमें और भी ब्रांचेस लाइक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशंस, काफ़ी सारे ब्रांचेस आपको इस कॉलेज में भी देखने को मिल जाएगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जी, और नेक्स्ट कॉलेज भी आपको है यहाँ पे MNIT भोपाल है बेसिकली। तो आप यहाँ से देख सकते हैं मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल, राइट। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट चलते हैं अभी जो मेन इंजीनियरिंग के ब्रांचेज है वहाँ से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो आपको ब्रांच देखने को मिलेगा वो केमिकल इंजीनियरिंग है। लाइक ये केमिकल इंजीनियरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग 4 ईयर्स बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल न्यूट्रल के लिए 42,115 पे क्लोज हुआ था होम स्टेट के लिए। अगर अदर स्टेट की बात किया जाए तो अदर स्टेट में आप देख सकते हैं 35,282 पे क्लोज हुआ था और फीमेल के लिए 39,787 पे क्लोज हो गया था। उसी तरह से हम लोग डायरेक्ट चलते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए। केमिकल के बाद आपको सिविल देखने को मिलेगा और सिविल के बाद नेक्स्ट ब्रांचेस जो है आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये लाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग होम स्टेट ओपन जेंडर न्यूट्रल आपका जो क्लोज हुआ था वो 10,895 पे हुआ था, फीमेल के लिए 15,515 पर क्लोज हो गया था। अगर ओपन स्टेट की बात करें, ये होम स्टेट कोटा है आपका देख सकते हैं इसमें। तो ओपन के लिए अगर बात करें तो यहाँ से आप देख सकते हैं अदर स्टेट ओपन जेंडर न्यूट्रल आपका जो क्लोज हुआ है 7,877 पे क्लोज हुआ है। और उसी तरह से फीमेल की बात करें तो आपको 12,918 पे क्लोज हुआ था, EWS का 1,208 पे क्लोज हुआ, फीमेल की बात करें 2,184 पे क्लोज हो गया। और आप यहाँ से देख सकते हैं OBCNCL का 2,755, फीमेल के लिए 5,062 पे क्लोज हुआ, SC का 1,444 और फीमेल के लिए 1,529, और ST की बात करें तो 413 पे क्लोज हुआ और फीमेल 920 पे। तो ये आपका कुछ कंप्यूटर साइंस के हैं। उसी तरह से आप अलग और भी ब्रांचेस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और भी जो भी ब्रांचेज हैं आप देख सकते हैं। इसमें वीडियो को पॉज कीजिए, आराम से आप देख पाएंगे। नेक्स्ट NIT की तरफ हम लोग चलते हैं अभी। नेक्स्ट NIT आपका अलाहाबाद, मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अलाहाबाद। तो आप यहां से देख पाएंगे यहाँ आपका सबसे पहला बायोटेक्नोलॉजी है, लेकिन हम लोग सीधा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की तरफ चलते हैं। इसके बाद आपको केमिकल इंजीनियरिंग देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको फिर से सिविल इंजीनियरिंग लाइक, उसके बाद आप कंप्यूटर साइंस पर डायरेक्ट आ सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम कंप्यूटर साइंस पर आते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की अगर बात करें तो यहाँ से आपका जो ओपन होम स्टेट के लिए था वो 5,627 पे क्लोज हुआ, फीमेल के लिए 9,693 पे क्लोज हो गया। तो वही हम लोग अगर अदर स्टेट की बात करें, होम स्टेट अदर स्टेट में आप देख सकते हैं यहाँ पे अदर स्टेट कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग
जेंडर न्यूट्रल ये जो क्लोज हुआ था 4254 पे क्लोज हुआ था, फीमेल के लिए 6591 पे क्लोज हो गया था। वही आप ईडब्ल्यूएस का 701 और फीमेल के लिए 1223 पे क्लोज हुआ। ओबीसी एनसीएल के लिए 1305 पे क्लोज हुआ और फीमेल कोटा के लिए बात करें तो 3014 पे क्लोज हो गया। एससी की बात करें तो 634 पे क्लोज हुआ, फीमेल के लिए 12069 और एसटी का आप देख सकते हैं यहाँ से 209 और फीमेल की बात करें तो 595 पे क्लोज हो गया था। उसी तरह से आप दूसरे ब्रांचेस का देख सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट एनआईटी की तरफ चलते हैं। तो इसमें भी आपको इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन, बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट एनआईटी आपका एनआईटी अगरतला, राइट। तो एनआईटी अगरतला की अगर बात करें हम लोग तो डायरेक्ट हम लोग सीएस की तरफ चलेंगे। इसमें बायोटेक्नोलॉजी आपको, केमिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद आपको इसमें 5 ईयर कोर्स भी आपको केमिस्ट्री में, सिविल एंड लाइक, उसके बाद आपको मिलेगा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की। तो यहाँ पे आपको एक और ब्रांच देखने को मिलेगा कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स, जो कि 5 ईयर्स कोर्स होता है, मास्टर कोर्स, डुअल डिग्री, मतलब बीटेक प्लस एमटेक लाइक कोर्स होता है। उसमें जो आपको एडमिशन मिलते हैं होम स्टेट में 145,150 पे हुआ था ओपन के लिए। अगर अदर स्टेट की बात करें तो 3648 तक एडमिशन मिलता है पिछले 40 कोर्स में। उसी तरह से अगर हम लोग कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करें तो आप यहाँ से देख पाएंगे एनआईटी अगरतला कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जब का है, होम स्टेट, ओपन, जेंडर न्यूट्रल। आप यहां से देखेंगे तो मिलेगा आपको 58,163 पे लास्ट रैंक एडमिशन मिला था यहां पे। और अगर हम लोग अदर स्टेट की बात करें लाइक, तो आपको यहां पे 19,344 ओनली। तो आपको यहां पे एग्जैक्ट डिफरेंस देखने को मिल पा रहा होगा, अदर स्टेट होम स्टेट में काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। होम स्टेट वाले को होम स्टेट कोटा से काफी छूट मिल जाता है, फायदा मिल जाता है उस बात का। फीमेल के लिए 29,701 पे, इसी तरह से ईडब्ल्यूएस का 2920 हुआ था और ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 5009 पे हो गया था। ओबीसी एनसीएल का 6267, फीमेल के लिए 11527 पे हो गया था क्लोज। उस तरह से आप एससी का 2485, फीमेल के लिए 4282, एसटी के लिए 900 और एसटी फीमेल के लिए 2168 पे क्लोज हो गया था लाइक। उसके बाद आप बहुत सारे ब्रांच आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा लाइक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मास्टर फिजिक्स में, मतलब डुअल कोर्स फिजिक्स में भी आप कर सकते हैं। काफी ज्यादा ब्रांच आपको यहाँ पे एनआईटी अगरतला में देखने को मिलेगा। अगर आप सिर्फ एनआईटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, मतलब आपका जैसे आप सोचे होंगे कि हमको एनआईटी में पढ़ना, तो इन सारे ब्रांचेस में जा सकते हैं क्योंकि इसका कट ऑफ काफी हाई होता है। तो नेक्स्ट एनआईटी की तरफ हम लोग चलते हैं। अभी नेक्स्ट एनआईटी हम लोग का एनआईटी कालीकट। नेक्स्ट एनआईटी कालीकट, उसमें हम लोग देखेंगे लाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करते हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इसमें आपको बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल्स और सिविल इंजीनियरिंग, उसके बाद आपको कंप्यूटर साइंस देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करें अगर ये एनआईटी कालीकट में, तो जेंडर न्यूट्रल की अगर बात करें यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे होम स्टेट के लिए आपको 10,956 तक हुआ था और फीमेल के लिए 11,280 हुआ था। तो हम लोग का अदर स्टेट देखते हैं। अदर स्टेट की बात करें जेंडर न्यूट्रल का, तो 4521 पे क्लोज हो गया, फीमेल के लिए 5568 पे क्लोज हो गया था। वही अगर बात करिए ईडब्ल्यूएस का, तो 705, फीमेल के लिए 776, ओबीसी एनसीएल का 1242 और फीमेल के लिए 1683 पे क्लोज हो गया था। उस तरह से आप देख सकते हैं एससी के लिए 361, फीमेल के लिए 577, एसटी के लिए बात करें तो 128 और फीमेल 569 पे क्लोज हो गया था कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का। उस तरह से आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, काफी सारे ब्रांच आपको यहाँ भी देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट एनआईटी की तरफ हम लोग चलते हैं। अभी नेक्स्ट एनआईटी जो है आपका बहुत सारे ब्रांच है इसमें एनआईटी कालीकट में। आप यहाँ से देख सकते हैं एनआईटी दिल्ली, एनआईटी दिल्ली, एनआईटी दिल्ली में आपको यहाँ पे सिविल से देखने को मिलेगा। सिविल होम स्टेट की बात करें ओपन के लिए, तो आपको ये 46,544 तक एडमिशन मिला था, मतलब जो दिल्ली के लोग हैं उनके लिए है ये। तो हम लोग अदर स्टेट की बात करते हैं, तो अदर स्टेट में अगर डायरेक्ट बात करें तो आप यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग का भी देख सकते हैं 36,473 तक एडमिशन मिला था और फीमेल के लिए 38,930 तक। तो हम लोग अभी सीधे डायरेक्ट चलते हैं कंप्यूटर साइंस पे। यहाँ से आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग देखने को मिलेंगे इधर होम स्टेट जेंडर न्यूट्रल 13,750। वही अदर स्टेट की बात करें हम लोग,
अदर स्टेट में आपको 8954 ओनली, फीमेल के लिए 12263, ईडब्ल्यूएस के लिए 1403, फीमेल के लिए 1729 और ओबीसी एनसीएल के लिए 3127, फीमेल के लिए 5837। इस तरह से आप एससी के लिए देख सकते हैं 990, फीमेल के लिए 1062 ओनली। एसटी के लिए आप देख सकते हैं 415, एसटी फीमेल के लिए 606 पे क्लोज हो गया था। उसके बाद और भी ब्रांचेज आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और काफ़ी सारे ब्रांचेस यहाँ भी आपको देखने को मिल जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एनआईटीज पे चलते हैं डायरेक्ट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट एनआईटी जो है यहाँ पे एनआईटी दुर्गापुर है। तो एनआईटी दुर्गापुर की बात करें आप यहाँ पे तो देख सकते हैं आप एनआईटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्गापुर, सबसे पहला ब्रांच आपको यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी देखने को मिलेगा। और इसका जो होम स्टेट की बात करें तो आपको कितना तक मिला था, 48765 तक मिला था। डायरेक्ट हम लोग चलते हैं सीएस पर। इसमें आपको काफी सारे ब्रांचेस देखने को मिल रहे हैं इसमें भी। ये आपका आ गया तो यहां से आप देख सकते हैं ये आपका है जेंडर न्यूट्रल के लिए 11092 होम स्टेट। अगर अदर स्टेट की बात करें डायरेक्ट हम लोग तो अदर स्टेट के लिए आप देख सकते हैं 8689 और फीमेल के लिए 11683। उसी तरह से ईडब्ल्यूएस का 1262 61 और फीमेल के लिए 1730, ओबीसी एनसीएल 2599, फीमेल के लिए 49।